कानपुर में कब्रिस्तान के बाहर चला प्रशासन का बुलडोजर। काकादेव इलाके में मौजूद कब्रिस्तान के अंदर और बाहर अवैध कब्जा हटाने जब नगर निगम की टीम पहुंची तो महिलाओं ने जमकर विरोध किया, लेकिन पुलिस ने सख्त रवैया अख्तियार किया और इसके बाद कब्रिस्तान के बाहर के अवैध कब्जों को बुलडोजर से गिरा दिया गया। हालांकि कब्रिस्तान वक्फ बोर्ड को इसके होने की वजह से अंदर कार्रवाई नहीं की जा सकी। एमपी के राजगढ़ में एक दलित युवक की बारात पर पथराव के मामले में प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। बारात पर पत्थर फेंकने वालों पर प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी है। जीरापुर में एक दलित परिवार की बेटी की शादी थी, बारात आने पर डीजे बजाने को लेकर एक समुदाय के साथ विवाद हुआ। डीजे बंद नहीं होने पर पत्थरबाजी शुरू हो गई जिसमें 3 बाराती घायल हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। बिहार में बिजली का स्मार्ट मीटर साइबर अपराधियों के लिए कमाई का जरिया बन गया है। अब तक साइबर अपराधी मीटर रिचार्ज करवाने के नाम पर 300 से ज्यादा लोगों के अकाउंट से पैसे निकाल चुके हैं। पटना में कई लोगों से एक ऐप डाउनलोड करवाकर मामूली रिचार्ज के लिए कहा गया और जैसे ही उन्होंने रिचार्ज किया उनके अकाउंट से हजारों रुपए निकल गए। पुलिस ने इस मामले पर साइबर अपराधियों की जांच में पुलिस जुट गई है। रूस और यूक्रेन की जंग से सूरत का हीरा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। युद्ध की वजह से रफ डायमंड की सप्लाई बाधित हो गई है जिससे लाखों कारीगरों की रोजी रोटी पर संकट आ गया है और हीरा उद्योग से जुड़े 2.5 लाख कारीगरों को जबरन 15 दिन की छुट्टी पर भेज दिया गया है। केरल के कोची में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। यहाँ निचले इलाकों में सड़कों पर नदी की तरह पानी बह रहा है। घरों के ग्राउंड फ्लोर में भी पानी भर जाने की वजह से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आने जाने के लिए लोगों को बोट का सहारा लेना पड़ रहा है। त्रिपुरा में भी लगातार बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। अगरतला में शहर के ज्यादातर हिस्सों में पानी भर गया है। बाजार और सड़कों पर पानी भर जाने की वजह से लोगों को आवाजाही में मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। नागपुर में पीने के पानी का संकट गहरा गया है। यहाँ के कई इलाके तो पानी की एक एक बूंद तक के लिए तरस रहे हैं। ये नारी इलाके का नजारा है और यहाँ पर पीने के पानी से भरा टैंकर जैसे ही यहाँ पहुंचा पानी भरने के लिए लाइन लग गई। लोग अपने अपने घरों से बर्तन बाल्टी लाकर पानी भरने लगे। महानगर पालिका के मुताबिक 300 टैंकर पानी की सप्लाई में लगे हैं। हरियाणा के बहादुरगढ़ में एक बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है। कुंडली मानेसर एक्सप्रेसवे पर सड़क के किनारे सो रहे 18 मजदूरों को एक ट्रक ट्रेलर ने रौंद दिया। सभी मजदूर यूपी से ब्रिज की मरम्मत करने के लिए आए थे। काम के बाद थक कर ये लोग सो गए थे। सुबह के समय आ रही एक तेज रफ्तार ट्रक ट्रेलर ने इन मजदूरों को हादसे का शिकार बना लिया। 3 मजदूरों की मौत हो गई है, 10 गंभीर रूप से घायल हैं। योगी सरकार की हिस्ट्री शीटर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई से बदमाशों में दहशत का माहौल है। प्रशासन की सख्त कार्रवाई के डर से अपराधी खुद सरेंडर कर रहे हैं। आज कानपुर में हिस्ट्री शीटर बदमाश ने खुद थाने जाकर सरेंडर कर दिया। अपराधी गली में तख्ती लटका कर पहुंचा और जिस पर लिखा था कि बाबा जी मैं अब क्राइम नहीं करूंगा, जेल जाने को तैयार हूं। चाय वालों को टक्कर देने अब बीबीए मैगी वाला आ गया है। तमिलनाडु के कॉलेज से बीबीए करने वाले रिशु ने पटना में एक मैगी की स्टॉल खोली है। रिशु का कहना है कि नौकरी में उसे सिर्फ 7,000 मिल रहे थे जिससे गुजारा करना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में तंग आकर परेशान होकर उसने अपना बिजनेस खोलने का फैसला कर लिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।